नमस्कार। मंच पे हमारे दो गुरु भी बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, रतन सर और जौहरी सर, और बाकी आप लोग जो पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए लोग हैं। तो पीआर प्रोफेशनल्स हैं तो अलग अलग किस्म के क्लाइंट आपके पास आते होंगे, कभी प्योर कमर्शियल्स होते होंगे, कभी कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते होंगे, कभी हेल्थ एजुकेशन से जुड़े हुए चीजें होती होंगी। तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किस ढंग से चीजों को लेके जाएं। मान लीजिए आप किसी मोबाइल कंपनी या कार लॉन्चिंग है या कोई ऐसी चीज है तो वो शुद्ध बिजनेस है, वो एक कमर्शियल एक्टिविटी है जिसमें कोई भी न्यूज़पेपर या मीडिया हाउस उसके कवरेज में तब इन्वॉल्व होता है जब उसका भी कोई उसमें बेनिफिट होता है, क्योंकि ये आप कोई सोशल कॉज नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में ये नहीं करने जा रहे, ये प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़ा हुआ बिजनेस है या काम है। तो ऐसे कवरेजेस जो होते हैं वो उसमें मीडिया हाउस भी चाहता है कि उसका भी कुछ शेयर हो। तो पहले तो आपकी बिजनेस टीम से बात होनी चाहिए, फिर आप अगर एडिटोरियल के पास जाएं तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी ऊपर से बात आ चुकी होती है कि भाई इनको थोड़ा सा हमें कवर करना है। फिर आते हैं कुछ हेल्थ इश्यूज पे, कभी कभी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि यूनिसेफ है मान लीजिए, या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक इंटरेस्ट में भी काम करते हैं और उनके अपने बजट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये एक ऐसे इश्यू होते हैं जिसमें मार्केटिंग इन्वॉल्व होती है, लेकिन इसमें एडिटोरियल का पार्ट ज्यादा होता है क्योंकि इसमें सोशल कॉज का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये वो विषय होते हैं जिसमें एक अच्छा पीआर प्रोफेशनल, अगर उसके रिलेशनशिप अच्छे हैं एडिटोरियल टीम के साथ में, तो वो बेहतर कवरेज दिला सकता है। वो डिपेंड करता है संबंधों पर, संपर्कों पर, और उस व्यक्ति की अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके ऊपर। तो अगर आप बता पाते हैं लोगों को, विषय के बारे में समझा पाते हैं, तो ऐसे में अच्छा कवरेज मिलता है। अगर आप लोगों को बता पाते हैं कि सर इससे जुड़ी हुई कोई स्टोरी है जो एक गांव में है, बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी है, अभी तक कहीं कवर नहीं हुई है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप अपना रिपोर्टर भेजिए और स्पॉट पे भेजिए और बहुत अच्छी स्टोरी आएगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें अखबार का भी इंटरेस्ट होता है, वो भी ढूंढते हैं कि कौन सी अच्छी पॉजिटिव न्यूज है जिसे हम कवर कर सकते हैं। और कभी भी जोर नहीं देना चाहिए कि आप इसमें हमारे क्लाइंट के बारे में बहुत ज्यादा लिखें, वो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, अगर वो चौथे पैरे में भी आएगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव स्टोरी अच्छे से छप रही है तो उसका काम हो जाएगा। इसी तरीके की तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी कॉज के लिए काम करती है, कुछ महिलाओं के इशू पे काम करते हैं, कुछ पोलियो के इशू पे काम करते हैं, कोई किसी बीमारी पर काम हो रहा है, किसी और दूसरे सोशल कॉज पे काम हो रहा है, तो वो अखबारों के अपने इंटरेस्ट भी उसमें होते हैं क्योंकि उसमें एक सामाजिक मुद्दा छुपा होता है। पर हर पीआर मैं देखता हूं कि कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से उसमें मीडिया हाउस को इन्वॉल्व कर पाते हैं। तो ये एक व्यक्ति की जो अपनी पर्सनल क्षमताएं होती हैं, उसकी जो एजुकेशन होती है कि उसने कम्युनिकेशन को या पब्लिक रिलेशन को कितने अच्छे से समझा है, उन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से अगर इससे जुड़े कोई सवाल हो तो आप मुझसे करिएगा, बाकी जो मैं कह सकता था वो यही है। थैंक यू।